24 फरवरी से रेल सेवा पूरी तरह से बहाल कर दी जाएगी, जिसके चलते लोगों में राहत है, विशेषकर व्यापारी वर्ग में, जिन्होंने कहा कि बसों के किराए बहुत ज्यादा है, सबके बस में नहीं है बसों में सफर करना, लेकिन रेल से चलने से, रेल सेवा के बहाल होने से लोगों को भारी राहत मिलेगी और खासकर जम्मू को जाने वाले लोगों को रेल सेवा से बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसके लिए लोगों ने सरकार का धन्यवाद भी किया है। हम लोग कांगड़ा से, बहुत अच्छा लगा। हम लोग इतने दिन से सीधे घर नहीं जा पाते थे, मतलब रुक रुक के कहीं एक बस ली, कभी दूसरी ली, इसकी वजह से हमें इस ट्रेन की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सीधी हमें, मतलब इधर बैठे हैं घर के पास उतरेंगे जाके, और बस है, दो बस चेंज करनी है, तीन बस चेंज करनी है, डबल किराया देना, इसमें चलो जितना भी लगा है कोई नहीं, थोड़ा ही किराया, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन फैसिलिटी तो है ना, इधर बैठे हैं सीधे घर के पास उतरना है। देखो जी, हिमाचल दी ट्रेना जिहड़ियां स्टार्ट होईयां ना जी, पठानकोट तो जोगिंदरनगर तक दी नैरो गेज लाइन है पठानकोट तो, ये काम तो बहुत अच्छा जिहड़ा उन्होंने शुरू किया है। एक पहला होना चाहिए सीगा, पठानकोट का व्यापार जिहड़ा है, तुहानूं सब कुछ जानकारी है, पठानकोट का व्यापार हिमाचल उत्ते डिपेंड है, G&K ते डिपेंड है, तो कुछ आर्मी उत्ते डिपेंड है। आर्मी तो अजकल अपनी कैंट दे विच फसी हुई है, वो तो बाहर नहीं निकलती, तो जिहड़ा हिमाचल का ग्राहक है वह बसा च आ के सफ़र नहीं करना चाहता, क्योंकि बसा के किराए तुहानूं पता बहुत बंपर तेजी नाल वध रहे हैं। ट्रेन के सफर होने के कारण, किराया सस्ता होने के कारण व्यापारी इत्थे आंदा है। जे रेलवे डिपार्टमेंट रेल चलान लगा है तो पठानकोट रेलवे स्टेशन जिहड़ा है बिल्कुल सुनसान रेलवे स्टेशन, करोड़ों अरबों रुपए की जिहड़ी जायदाद है रेलवे डिपार्टमेंट की, उहदे बारे भी सुध लवे, तो उत्थे भी अमृतसर तो ट्रेन चलावे, कोई बाहर तो कोई लौंग रूट दी ट्रेना उत्थे लियावे, तां कि पठानकोट दे व्यापार नूं तेजी मिल पावे। रेलवे रोड, मेन बाज़ार, डाकखाना चौंक, यह सारे इलाके जिहड़े है यह रेलवे दे उत्ते काफ़ी कुछ डिपेंड करते हैं। ग्राहक आएगा, यात्री आएगा, तो सारयां नूं सहूलत होएगी, कोई रेलवे अपना, कोई होटल वाले नूं, किसी टैक्सी वाले नूं, किसी आटो वाले नूं, हर तरीके दे नाल व्यापार वधन दे चांस ज़्यादा हुंदे है। इस वास्ते रेलवे का जिहड़ा उन्होंने नैरो गेज लाइन ते रेल चलाई है, हाले इको ट्रेन चलाई है, मेरा कहना है होर भी चलानियां चाहीदियां, तां कि सारा व्यापार ठीक तरीके नाल सैट हो पाए पठानकोट दा। ट्रेना हुण बस जी अपने 24 तरीक तक शुरू हो जाणियां, तो ट्रेना भी चल पैणियां 24 तरीक तक, फिलहाल हाले जोगिंदरनगर की चलाईए, तो अमृतसर की ट्रेन चलाईए, एक जम्मू उधमपुर चलाईए, तो हले तो सवारियां इस तरह ही आन दियां, जरा दो दो तीन तीन चार चार पेंट पूंट अही करा ले कंटीना, तो बस हूँ यात्री जिस ही आएंगे तो फिर अं काम स्टार्ट कर देंगे। अपने रंग पेंट सफेदियाँ हो गई जी, कस्टमर आते बिच बिच पुछते जी, पर ना उन्होंने फिर अगर कोई समोसा लभदा तो ना कोई भटूरा, तो फिर चल जाते जी। फिर वो फैक्ट्री तो बाद जाने की मतलब पूरी ट्रेना ट्रूना चल पैनगियाँ, तो फिर अं अपना काम शुरू करांगे। सर, मेरा नाम धर्म सिंह है, मैं एक लोको पायलट हूँ पैसेंजर का, यहाँ हेडक्वार्टर पठानकोट में। ट्रेनें तो जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले साल जो है 21 मार्च को जो है ट्रेनें कोरोना की वजह से सरकार ने बंद कर दी थी, तो अभी ये लगभग 11 महीने के बाद सरकार ने दोबारा इसे चलाया हुआ है, जो कि एक अच्छा, मतलब सरकार का ठीक है, पब्लिक को भी काफ़ी इसका बेनिफिट मिल रहा है। किराए की जहाँ तक किराए की बात करें, किराया तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ाया तो है ही है, मगर क्योंकि इसको एक स्पेशल गाड़ी बना के चलाया हुआ, मेल एक्सप्रेस बना के चलाया हुआ, तो थोड़ा बहुत ही बढ़ाया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया है।